इनकी मुठभेड़ हुई कांतला में, वहाँ अरेस्ट हुए। उसके बाद हमने एसओपी महोदय के अनुसार इनका पुलिस रिमांड दिया, कस्टडी रिमांड, और कल हमने सहारनपुर से तभी दबिश देके कल इनके अड्डे से इनकी रिकवरी करी। बी वारंट पे परसों मुठभेड़ में तीनों लोगों को लगी। आपराधिक इतिहास सर इनके नौ मुकदमे काफी है, नौ मुकदमे हैं जो पूर्व में चल रहे। आपको देख सब लिखा हुआ है, 394 है, शामली में दो है, 394 है, बाकी कांधला में है, दो मैंने लगातार तावड़ तोड़ घटाए के टूटा सकता है। काफी है, नौ मुकदमे हैं इनके ऊपर सर। इन पे गैंगस्टर की तैयारी हो? बिल्कुल 100% एक्शन सर कार्रवाई। यहाँ लगा लो इनको, ये दवाई वाला भाई भगवान को सर सर ले जाओ, ले जाओ अंदर जाके मेरी बात करो। और भी आरोपी है, लेके कहाँ से आए? ये देहरादून से बता रहा है, बाकी ये देखते हैं ये कहाँ से लाया है। इसको भी कितने साल से चला कितने साल कितने साल लाइसेंस तो नहीं है तुम्हारा? मेडिकल का इतने मेडिकल का लाइसेंस होगा? आओ भाई इधर देखो दवाइयों का है लाइसेंस है मेरी सर के लिए। कल एक सूचना हमारे क्षेत्राधिकारी को प्राप्त हुई थी कि लंडौरा में एक नौशाद है जिसका साथ मेडिकल स्टोर है, ये कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ इसके द्वारा बेची जा रही हैं। और जब इसके हम लोगों ने जब ड्रग्स इंस्पेक्टर से इस समय बात करी और एनसीबी से बात करी तो पता लगा ऐसा कोई लाइसेंस के पास नहीं है। तो एक संयुक्त एक टीम बना के जिसमें एनसीबी की टीम थी और ड्रग्स की टीम थी, उसके साथ मिलकर हमारे सीईओ मंगलौर ने एक प्रभावी कार्रवाई करी जिसमें करीब काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो इलीगल ड्रग्स हैं वो काफ़ी। सर ये मंगलौर वाला भगवानपुर वाला सर भगवानपुर में ये नवंबर में घटना हुई थी जो लूट की घटना लिखी हुई थी, महिला के साथ लूट की गई थी, उसमें जो मुलजिम रहे उनका जब पीसीआर लिया गया तो उसमें पीसीआर के बाद कुछ और रिकवरी हमारी हुई है तो उसमें इन मंडलों को हमेशा के द्वारा पेश किया गया और हम लोग इसे पेश किया। इसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी जो हमारा 3 लाख के आसपास का जो मामला है उसमें भी रिकवर हुआ।